जैन फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान, मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फायर फाइटिंग की वीडियो शेयर करता हूं और आज का जो मेरा टॉपिक होगा, अभी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर 17 तारीख को एम्स हॉस्पिटल के अंदर फायर हुई है और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने आग लगने की जो जानकारी दी है वो शॉर्ट सर्किट को बताया है। तो मैं हिंदुस्तान के सभी फायर फाइटर्स और सभी हाई राइज बिल्डिंग, अपार्टमेंट, सोसाइटी, मॉल, हॉल, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ऑल रिस्की बिल्डिंग्स, सभी रिस्की बिल्डिंगों में फायर फाइटिंग के सिस्टम का प्रावधान होना चाहिए। वहां पर फायर फाइटिंग के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए फायर फाइटर्स भी अवेलेबल होने चाहिए और फायर फाइटिंग के सिस्टम को चलाने के लिए बिल्डिंगों के अंदर, किसी मॉल हॉल होटल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर हम जो फायर फाइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और फायर पंप्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर बिल्डिंग में रिस्क है उस हिसाब से तो वहां पर यह सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। और मैं बात करता हूं फायर फाइटिंग की, तो फायर फाइटिंग ऑल इंडियंस पीपल्स, हर एक कैंडिडेट का, हर एक इंडियंस का, हर एक नागरिक का एक दायित्व है। फायर फाइटिंग करना उसको आना चाहिए। फायर फाइटिंग जीवन का एक हिस्सा है। फायर फाइटिंग, मेडिकल फर्स्ट एड और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपकी लाइफ में कहीं पर भी, कभी भी और कैसे भी हो सकता है। अगर आपको ये सब चीजें आती हैं तो आप किसी की भी जान बचा सकते हैं, अपने साथ वाले की, अपने पड़ोस वाले की, अपने कंपनी में फ्रेंड की, अपने ऑफिस में दोस्त की, आप किसी की भी सहायता कर सकते हैं। देखिए, फायर फाइटिंग की वजह 80% फायर लगने की जो वजह होती है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी। आप अपने घर के अंदर, किसी मॉल हॉल होटल के अंदर प्रॉपर वायरिंग कराएं और वायरिंग में प्रॉपर कनेक्शन दें, कहीं से भी उसको कट करके कनेक्शन ना दें। आपका जो वायरिंग करने वाला बंदा है, जो कैंडिडेट वहां पे वायरिंग कर रहा है, जो भी वहां पे इलेक्ट्रिशियन है वो प्रॉपर ट्रेंड हो और डिग्री होल्डर हो, उसको पता है कि मुझे कहां पे कैसी वायर का इस्तेमाल करना है और कितना लोड वो झेल सकती है। और 80% फायर की वजह इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है, ओवरलोडिंग भी हो सकती है, लूज वायरिंग भी हो सकती है। जो हमारा प्लग का इस्तेमाल करते हैं, प्लग का इस्तेमाल ना करना, ऐसे ही वायर को लगा देना, मल्टीप्लग में लगा के उस पर ओवरलोड डाल देना, ऐसी फायर फाइटिंग की बहुत सारी वजह बिल्डिंगों के अंदर रहती है। तो इसलिए बिल्डिंग के अंदर या किसी मॉल होटल्स के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर फायर की इनिशियल स्टेज के लिए या इंसिपेंट स्टेज के लिए, प्राथमिक अवस्था के लिए फायर फाइटिंग के सिस्टम का प्रावधान किया जाता है और उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए फायर डिपार्टमेंट बनाया जाता है और फायर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए उसमें कुछ कर्मचारी रखे जाते हैं। वहां पे फायर अफसर हेड हो सकता है, फायर सेफ्टी अफसर हो सकता है और उनका केयर मेंटेनेंस करने के लिए हमारी मेंटेनेंस टीम भी होती है और फायर फाइटिंग की टीम भी होती है, जिसको हम फायरमैन भी कह सकते हैं या फायरमैन भी बुला सकते हैं। जनरली फायर फाइटिंग करना हर एक कैंडिडेट को आना चाहिए, एक्सटिंग्यूशर को ऑपरेट करना आना चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर आप फायर को एक्सटिंग्यूज कर देंगे, आपने इनिशियल स्टेज में फायर को एक्सटिंग्यूज कर दिया तो आग कभी भी बड़ी नहीं होगी,
आप उसे एक्सटिंग्विश करके आग को बुझा सकते हैं। तो एक्सटिंग्विशर आपको ऑपरेट करना आना ही चाहिए और आपको किसी को कैजुअल्टी को हैंडलिंग करना आना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आप जॉब के रिलेटेड फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए और उनको आना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी में हम कैसे एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे भी कैजुअल्टी को बाहर निकाल सकते हैं। कभी भी कोई भी इमरजेंसी में आप जाते हैं, कहीं पे भी हैं, आप किसी भी देश के कहीं पे भी, हिंदुस्तान के कहीं भी किसी भी कोने पर हैं, अगर फायर की इमरजेंसी कभी भी होती है, जहां पर आप अवेलेबल हैं, आप वहां पे फायर एग्जिट रूट का हमेशा ध्यान रखें। आप साइन बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए किसी भी फ्लोर पे हैं, फायर एग्जिट के पास जाइए, फायर एग्जिट के डोर को खोलते हुए बाहर असेंबली एरिया में आपको जाना है और असेंबली एरिया में जाके आपको खड़ा हो जाना है और वहां पे जो भी इंचार्ज पर हेड उसको काउंटिंग करनी होती है कि आज मेरे पास इस फ्लोर पर इतने कैंडिडेट अवेलेबल थे जिसमें से हमने इतनों को बचा लिया है और इतने फायर फाइटिंग के दौरान घायल हो गए हैं, जिनको हमने हॉस्पिटल भेज दिया है और हॉस्पिटल भेज के उनका उपचार कराया जा रहा है उससे हमें, और जितने बचे हैं उनका सर्च ऑपरेशन जारी है। फायर फाइटिंग की टीम वहां पे होनी चाहिए और कभी भी इमरजेंसी के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको स्टेयरकेस का इस्तेमाल करना है और ये रूट हर एक कैंडिडेट को पता होना चाहिए और ये शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट होना चाहिए और इस रूट के वहां पर साइन बोर्ड लगा होना चाहिए और एक साइन बोर्ड के पास आप जब जाते हैं तो दूसरा साइन बोर्ड आपको इजीली दिखाई देना चाहिए जिससे कि आप बाहर जा सकते हैं। और आपको कभी भी इस रास्ते के दौरान यूज करते हुए आपको पैनिक कभी नहीं होना है, दौड़ना कभी नहीं है, ठीक है। आप सिंगल चाल में चलना है, तेज चाल में नहीं चलना है, सिंगल लाइन में आपको चलना है और असेंबली एरिया में आपको जाना है। इसका इस्तेमाल करते हुए आप कभी भी फायर फाइटिंग के दौरान आप जहां पर भी अवेलेबल हैं, जिस भी फ्लोर पे हैं, वहां पर जितना भी गेट है आप उस गेट को बंद कर दें, क्योंकि उस गेट के दौरान आप अगर उसको बंद नहीं करेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन और ज्यादा मिलेगी और आग बड़ी तेजी से फैलती चली जाती है। फायर फाइटिंग के दौरान 80% जो डेथ होती है वो स्मोक से होती है, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है ये पंप की तरह होता है, इसको फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट होती है। जब फ्रेश एयर इसको नहीं मिलती है, कभी भी जब स्मोक होता है वो लाइटर देन एयर हवा से हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता है तो वो कन्वेक्शन मेथड से वापस नीचे की तरफ आता है। तो जितना भी हमारा पीओपी पेंट वगैरह होकर रहता है वो उसके साथ हीट अप होता है जिससे वो टॉक्सिक ज्यादा होता है और हमारे हार्ट के पास जब स्मोक जाता है तो वो कार्डियक अरेस्ट कर देता है जिससे डेथ हो जाती है। कभी भी स्मोक आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो आप सीधा नीचे बैठिए या गिल्ला कपड़ा आप अपनी नाक पे लगा सकते हैं जिससे कुछ समय के लिए आपका दम नहीं घुटेगा, क्योंकि आपका जो धुआं होता है, स्मोक होता है, वो फिल्टर होके हमारी नाक के पास जाता है जिससे हमारी जान जाने से बच सकती है, आप घायल होने से बच सकते हैं, आपका दम घुटने से बच सकता है। और ऐसे ही आप क्रॉलिंग करके कोहनियों के बल आप असेंबली एरिया में जा सकते हैं और जनरली ही आपको एक्सटिंग्विशर से ऑपरेट करना आना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी छोटी फायर को एक्सटिंग्विशर यूज कर देंगे तो आप बड़ी होगी ही नहीं। पहली स्टेज जिसको हम इनिशियल स्टेज बोलते हैं या इंसिपिएंट स्टेज भी बोलते हैं या प्राथमिक अवस्था भी बोलते हैं, अगर आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं इंसिपिएंट स्टेज की या प्राथमिक अवस्था की ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि बड़ी फायर के लिए फायर ब्रिगेड होती है, बड़ी फायर के लिए हमें मैन पावर ज्यादा चाहिए, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया ज्यादा चाहिए, पानी, फोम, पाउडर, गैस ज्यादा चाहिए, फायर के लेटेस्ट इक्विपमेंट ज्यादा चाहिए, तो हमें हर चीज की ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जो हमारा फायर फाइटिंग करने वाले बंदे होंगे वो हमें ट्रेंड मात्रा में चाहिए, वो हमें प्रॉपर ट्रेंड चाहिए। इसलिए आप इनिशियल स्टेज में छोटी अवस्था में आग को बुझाएंगे तो आग बुझा सकते हैं, तो बुझाने के बाद में आप एक बड़े हादसे को होने से रोक सकते हैं, किसी की जान जाने से रोक सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं। एम्स के अंदर भी यही हुआ है, इसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, कुछ लोगों को नुकसान हुआ है जिससे दूसरे वार्ड में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। जैसे ही स्मोक लोगों को दिखाई दिया तो लोग पैनिक होना शुरू कर दिए। आप स्मोक देख के पैनिक ना हो, घबराएं ना, सीधा आप स्टेयरकेस का इस्तेमाल करिए और असेंबली एरिया में जाइए, असेंबली एरिया का इस्तेमाल करते हुए पर हेड काउंट करिए और आप पैनिक ना हो, भगदड़ ना मचाएं, आप सिंगल लाइन में अपने
तेज कदमों का इस्तेमाल करते हुए आप उस रूट का इस्तेमाल करें और वहां पे हाई हल्ला ना करें, इससे भगदड़ ना मचे। और हॉस्पिटल के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं, जैसे हमारा एम्स हॉस्पिटल है, ये एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, हिंदुस्तान के जितने भी नेता, जितने भी वीआईपी, छोटे बड़े सब लोग एम्स के अंदर इलाज कराने के लिए जाते हैं। वहां पे हर टाइम हर समय में इतने लोग उपस्थित होते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी के दौरान किसी की डेथ, इतनी कैजुअलिटी इतनी मात्रा में हो सकती है कि वहां पर बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है, जाने जा सकते हैं। तो इसलिए मेरा मतलब है लाइफ सेफ्टी, एनवायरमेंट सेफ्टी और प्रॉपर्टी सेफ्टी। अगर आपको जनरल फायर फाइटिंग और मेडिकल फर्स्ट एड और डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आपको आता है तो आप किसी की जान बचा सकते हैं, किसी दूसरे की जान बचा सकते हैं, अपनी खुद की जान बचा सकते हैं। और लाइफ सेफ्टी बहुत बड़ी सेफ्टी होती है। अगर आप किसी को ये सब चीज़ कर सकते हैं तो आप उसकी प्रॉपर हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने जनरल फायर फाइटिंग को ट्रेनिंग लिया है और ट्रेनिंग में लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कंपनी में जहां पर भी जॉब करते हैं या जिस भी डिपार्टमेंट में, आजकल कंपलसरी है फायर फाइटिंग का डिपार्टमेंट, आपको हर जगह पे मिलेगा। और आप जा करके वहां पर ट्रेनिंग अटेंड करेंगे और आप लोगों की जान बचा सकते हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा हादसे को आप होने से टाल सकते हैं। और अगर आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल सेकर फायर फाइटर। और अगर आपको मेरे से कोई भी बात पूछनी है तो आप मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।